ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और एज यूजुअल सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कुछ एब्रीवेशंस, देन विल स्टार्ट द एचटीएमएल क्लास 5th। सो आज का एब्रीवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केबी। केबी फॉर क्या कहेंगे हम? किलोबाइट। एमबी फॉर मेगाबाइट। जीबी क्या होता होगा? सोचिए जरा, जीबी का मतलब क्या होता होगा? होता ना आजकल मोबाइल में इतने जीबी की रैम है, इतने जीबी का स्टोरेज है, तो ये मैं नहीं लिखाऊंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये आपको सर्च करना है जीबी का फुल फॉर्म क्या होगा एंड टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी आपको सर्च करना है। तो केबी, एमबी, जीबी और एमबीपीएस, केबीपीएस एंड जीबीपीएस, ये आपके लिए टास्क मैंने दे दिए, कुछ असाइनमेंट दे दिए जो आप सर्च करना और उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन मुझे बताना। हाँ अच्छा, एक मिनट। ओके, तो के बी एम बी मैंने बता दिया, जी बी आपने क्या कहा? गीगाबाइट, टी बी फॉर, ये सारा आपको सर्च करना है, एम बी पी एस, के बी पी एस एंड जी बी पी एस, ये आपको सर्च करना है। मैंने इसलिए एम्प्टी छोड़ दिया है, आपको सर्च करना है और देन मुझे क्लास के बाद बताना है या बाद में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन 5 ऑफ द एचटीएमएल क्लास। और आज हमें सीखना है, देखिए पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था एट्रीब्यूट एंड कंटेनर टैग एंड नॉन कंटेनर टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? कौन बताएगा मुझे? जैसे मैंने अगर एचआर लिखा है तो टेल मी एनी टू एट्रीब्यूट ऑफ एचआर, कौन बच्चा मुझे बता सकता भाई? हु कैन टेल मी द एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर टैग? Then we have discussed the attribute of body tag. किस में बता रहे हैं, body का या फिर HR का? Color, ठीक है, first attribute is color. And any more? Not line, its size, color, size and width. तीन attribute मैंने discussion किए थे। बॉडी के कोई एट्रीब्यूट बता सकता है? बॉडी में हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट डिस्कशन किए थे? गुड, बिजी, कलर और बेटा इट्स अ टैग नॉट द एट्रीब्यूट। पहले तो मुझे ये बताओ एट्रीब्यूट और टैग में क्या अंतर है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट इज द एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज द टैग? हु कैन टेल मी? हाँ, टेल मी। व्हाट इज द एट्रीब्यूट? ओके, तो टैग इज अ बेसिकली कमांड दैट डू समथिंग, बट द एट्रीब्यूट्स आर यूज इनसाइड द टैग या अलोंग विद द टैग। जैसे मैंने लिखा बॉडी, तो बॉडी के साथ कल मैंने बताया बिजी, कलर आप लिख सकते हो, देन आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं एंड देन आप एक हमने और एट्रीब्यूट बताया था टेक्स्ट इक्वल टू लिख सकते हो। टेक्स्ट के साथ अगर मैंने कोई कलर लिख दिया, टेक्स्ट इक्वल टू मैंने रेड लिख दिया, सो दैट मीन्स पूरी बॉडी पे जो भी मैं लिखूंगा उसका कलर रेड आने वाला है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है? आज हमें देखना है फॉन्ट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट।
देन मार्किटेक एंड इट्स एट्रीब्यूट। फॉन्ट टैग देखना है, मार्की टैग देखना है एंड आईएमजी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। अब देखिए यहाँ पर मैंने टैग लिखा हुआ है, तो टैग में आपने देखा आईएमजी के पीछे मैंने स्लैश लगा दिया, तो इसका मतलब है इट्स अ नॉन कंटेनर टैग। स्लैश एमजी आईएमजी बंद नहीं करना मुझे, मैं आईएमजी करके बंद करूँगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली थ्री टैग। तो आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही रहने वाले हैं, आज हम केवल इन टैग तीन टैग्स की बात करेंगे। कौन कौन से टैग? फॉन्ट टैग, मार्की टैग एंड आईएमजी टैग। क्लियर है? फॉन्ट टैग, मार्की टैग एंड आईएमजी टैग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग, देखिए जब भी हम टैग कहेंगे समझ जाएगा टैग मतलब हमेशा ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही यूज होने वाला है। फॉन्ट कहते किसको है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दिख रहा है एमएस वर्ड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने कई बार देखा कि कुछ कुछ स्टाइल्स बदली जाती हैं फॉन्ट की। ये मैंने लिखा हुआ है बट इसे मुझे इटैलिक करना है, तो आप यहाँ से आई कर देंगे इटैलिक हो जाएगा, बी करेंगे बोल्ड हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था एचटीएमएल में। बट अगर मुझे इस फॉन्ट की स्टाइल इस तरह से बदलनी है कि मुझे इस फॉन्ट ही बदलना है, दैट मींस ये जो डिज़ाइन है चेंज करना है, तो ऊपर देखिए हम यहाँ वर्ड में जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का फॉन्ट किया तो इसका स्टाइल देखें टोटली बदल गया। फिर आपने इस फॉन्ट का साइज़ बदलना है आपको, तो आप यहीं की बगल पर आपको वर्ड की बात कर रहे हैं वर्ड में यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपने साइज़ बदल दिया। देन आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वर्ड में, आपने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। ये तो आपने वर्ड में कर लिया चेंज एडिटर पे, लेकिन अगर इसी तरह का इफेक्ट आपको वेब पेज में चाहिए कि आपने कुछ भी लिखा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में अबाउट माई सेल्फ, आज सबको एक असाइनमेंट में दूंगा, कल देना था बट मैंने कल नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और बतानी थी, फॉन्ट मार्की एंड इमेज। आज सभी बच्चों को अपना एक बायोडेटा बनाना है आज की क्लास के बाद, और यही असाइनमेंट में बताऊंगा अभी लास्ट में फिर से एक बार। तो आज की क्लास में सभी बच्चों को अपना अपना बायोडेटा कंप्लीट करना है, और बायोडेटा कंप्लीट करना हो तो वहाँ फॉन्ट भी लगाना होगा, मार्की लगाना होगा, इमेज लगाना होगा, हेडिंग लगानी होगी, सब कुछ मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर आप चाहते हैं फॉन्ट बदल जाए, देन वी नीड विच टैग? फॉन्ट टैग। सो वी कैन सेट द फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग फॉन्ट टैग। वी कैन सेट नेम ऑफ द फॉन्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट एंड कलर ऑफ द फॉन्ट। अब यहाँ बात आती है सर आपने कलर के लिए तो कल बताया था बॉडी के अंदर टेक्स्ट हम लगा देंगे कलर बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम बॉडी में टेक्स्ट एट्रीब्यूट करके फॉन्ट बदलते हैं तो याद रखेंगे पूरे पेज का कलर चेंज होगा, आपको बीच में चार लाइनों का कलर बदलना है, तो फिर वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉन्ट टैग की। सो वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट यूजिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। ये कल हमने देखा था, आज फिर से एक बार हम देखेंगे इसको बॉडी टैग, बट इट विल चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट ऑफ द ऑल पेज, होल पेज, पूरे पेज का कलर चेंज करेगा। कौन सा टैग? अगर हमने बॉडी में जाकर टेक्स्ट में लिख दिया कोई कलर, व्हाट इफ़ वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ फॉलोइंग लाइन और पर्टिकुलर पैराग्राफ, देन वी नीड फॉन्ट टैग। सो इफ वी नीड टू चेंज द कलर, साइज और फॉन्ट ऑफ पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर पैराग्राफ, पैराग्राफ याद करिए हमने बताया था जब आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो वी कैन सिंपली राइट देम इनसाइड द पी टैग, सो पी इज अ पैराग्राफ। देन वी यूज
विच टैग, फॉन्ट टैग। ठीक है, देन वी यूज फॉन्ट टैग। अब हमने कहा एट्रीब्यूट देखिए फॉन्ट के कौन कौन से होने वाले हैं, तो तीन एट्रीब्यूट्स हैं फॉन्ट के, दैट मीन्स फॉन्ट के साथ हम क्या क्या लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स या फिर सिंटैक्स पहले समझते हैं, जब भी आपको फॉन्ट लगाना होगा तो आपको याद रखना इट्स अ कंटेनर टैग, कंटेनर टैग है, दैट मीन्स आप जब भी फॉन्ट लगाएंगे तो आपको फॉन्ट लिखना है एंड फॉन्ट को क्लोज भी करना है। फॉन्ट लिखा, आपने लाइन लिखी जिस पर फॉन्ट को अप्लाई करना और स्लैश करके आपने क्या लिख दिया, फॉन्ट। एट्रीब्यूट्स देखिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, कलर, देन फेस एंड साइज। ठीक है, याद रखें कलर, कलर एट्रीब्यूट में हम क्या रखेंगे, फॉन्ट का कलर, नेम ऑफ द कलर। कलर में क्या लिखना आपको, नेम ऑफ द कलर, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड सो ऑन। तो कलर का नाम आप कहाँ रखेंगे, कलर एट्रीब्यूट में। फेस, इसमें लिखना मुझे नेम ऑफ द फॉन्ट, लाइक कौन कौन से नेम है। देखिए भाई आपको अब फॉन्ट के नाम याद नहीं करने, आपको यहाँ से अगर आप वर्ड में देख रहे हैं या नोट पैड में देख रहे हैं तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऊपर फॉन्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है, उसका जो भी नाम है उसको नोट करिए और वही नाम आप कहाँ ले जाके लिख दीजिए, फॉन्ट के फेस एट्रीब्यूट पर। जैसे अगर मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो फिर हम इसका बर्लिन सैंस एफ बी लिख देंगे, मुझे हैंड रिटन हैंड राइटिंग वाला कोई फॉन्ट चाहिए तो फिर आप उसका नाम ढूंढ के लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना भी हम बता रहे हैं आपको, कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे एक होता कोरबेल, एक होता टाइम्स न्यू रोमन, एक होता एरियल ब्लैक, ये कुछ फॉन्ट के नाम है, मैग्नेटो एंड सो ऑन, बहुत सारे फॉन्ट के नाम हैं। साइज की वैल्यू याद रखें, साइज का मतलब है फॉन्ट को क्या कर सकते हैं हम, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो साइज की वैल्यू 1 to 7 के बीच में कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें 7 से बड़ी साइज इफेक्ट नहीं करेगी इन केस ऑफ फॉन्ट। हेडिंग के लिए हमने देखा था H1 से लेकर H6, फॉन्ट में जाकर आप साइज दे सकते हैं H1 to 7। अब देखिए पहला एग्जांपल कि हाउ टू यूज द फॉन्ट एट्रीब्यूट। सो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू HTML पेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन द नोट पैड। वंस यू ओपन द नोट पैड सिंपली राइट विच वन द स्टार्टिंग टैग HTML, देन हेड। आफ्टर द हेड क्या लिखना भाई, मुझे कोई बताएगा मुझे, आफ्टर द हेड विच टैग शुड बी यूज्ड, टाइटल। टाइटल मैंने डाल दिया फॉन्ट एग्जांपल, और मैंने टाइटल को किया क्लोज, देन हेड को करना है क्लोज। आफ्टर क्लोजिंग द हेड वी स्टार्ट बॉडी टैग। बॉडी देखिए, कल मैंने बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट बताए थे। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, किसी भी एडिटर में कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, और कल मैं आपको एक बहुत अच्छा एडिटर बताऊंगा कल की क्लास में कि नोट पैड के अलावा हमें किस में करना चाहिए। ठीक है, तो देखो कल हमने देखा था बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट, आज हम उनको यूज़ कर लेते हैं। बिजी कलर, बिजी कलर मैंने डाल दिया एक्वा डाल दिया, और हमने देख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू सपोज कीजिए मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, तो क्या होगा कि पूरे पेज में जो भी मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर एक्वा आएगा लेकिन टेक्स्ट का कलर ब्लू आएगा। अब देखो मैं गया सेंटर पे, और सेंटर पर मैंने एक हेडिंग बना दी H1, बड़ी सी हेडिंग बना दी, और हमने लिख दिया अबाउट माई सेल्फ, और मैंने ये हेडिंग कर दिया क्लोज एंड सेंटर को भी क्लोज किया। देन हमने यहाँ पर HR कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर रेड करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर भाई, कौन सा एट्रीब्यूट लगाना होगा लाइन का कलर बदलने के लिए, कलर इक्वल टू रेड। अगर मैंने ये एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया तो लाइन का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आएगा। सपोज़ कि यहाँ पे मैंने बॉडी बंद कर दिया और यहाँ पर हमने क्लोज किया HTML,
सबसे पहले इसको सेव करना है, कंट्रोल एस किया मैंने, कहाँ सेव करना है, अपने फोल्डर में। मेरा फोल्डर था डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था HTML कोडिंग, इसको ओपन किया एंड इनसाइड दिस फोल्डर वी सेव द पेज विथ एनी नेम, हमने इसको फॉन्ट एग्जाम्पल डॉट HTML नाम से सेव कर लिया। ठीक है, आप अपने नाम से 1234 नाम से किसी भी नाम से सेव करें, बट याद रखना है डॉट HTML जरूर लगाना है। ओ, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, पेज यहाँ पर रुका हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट एग्जाम्पल डॉट HTML, HTML लगाया, पेज को मिनिमाइज करिए एंड गो टू योर फोल्डर। फोल्डर कहाँ पर था मेरा, डेस्कटॉप पर, HTML कोडिंग यहाँ गया एंड यहाँ पर मैंने बनाया फॉन्ट एग्जाम्पल ये। तो इसको पहले हम रन कर लेते हैं, ओपन किया, देन हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। याद रखें जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो सारा कोड नहीं लिखना है आपको, पहले थोड़ा सा लिखो, आउटपुट देखो, फिर थोड़ा सा और लिखो, रिफ़्रेश करो, फिर थोड़ा सा और लिखो, रिफ़्रेश करो, तो पता रहेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी मुझे साइज़ कम करनी है, मुझे इतनी बड़ी लाइन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए लाइन, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, विड्थ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर गए और हमने यहाँ पे लिख दिया विड्थ इक्वल टू, सपोज करिए मैंने कर दिया 70%, तो 100% की बजाय 70% आएगा, थोड़ा सा कम दिखेगा। देखिए दोनों तरफ से लाइन थोड़ी सी हो गई कम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इस लाइन की विड्थ, या हम ये कहें कि थिकनेस बढ़ानी है, थोड़ी मोटी करनी है लाइन, नहीं लेंथ नहीं होता, मुझे थिकनेस बढ़ानी है। और कोई बच्चा बताओ भाई, मुझे लाइन को मोटा करना है, हाँ विड्थ, हाइट, हाइट विड्थ या फिर साइज, साइज इक्वल टू दिया 5। देखो हाइट अभी नहीं आएगा, हाइट आएगा जब CSS पढ़ाएंगे, अभी कौन सा एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पे, साइज, साइज से आप इसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये तीन एट्रीब्यूट हो गए हमारे। अब देखो मैं नीचे अबाउट माई सेल्फ मैंने कुछ भी लिखना शुरू किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया हेलो, हेलो ऑल, आई एम, अपना नाम लिख दिया, आई एम डूइंग किड्स कोडिंग क्लास फ्रॉम जिस्ट। मुझे न्यू लाइन करना है, कौन सा टैग आएगा भाई बताइए ज़रा। अब मैं चाहता हूँ न्यू लाइन पे राइट करूँ, विच टैग शुड बी यूज्ड हेयर, ब्रेक फॉर बी आर टैग, आई हैव कंप्लीटेड पाइथन ट्रेनिंग एंड नाउ आई एम डूइंग HTML कोडिंग। ये हमने लिख लिया, कंट्रोल एस करना है, वापस अपने ब्राउज़र पे जाना है और पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो लिखा मैंने, ये हेडिंग तो मैंने बनाई नहीं, हेडिंग बनाते तो बड़ी आती, क्योंकि पूरे पेज में हेडिंग नहीं बना सकते हम, हेडिंग सिर्फ वहीं बनानी है जहाँ पर आपको हेडिंग की ज़रूरत है। आपको कोर्स लिखना है, कोई हेडिंग डालनी है, कंटेंट का के पहले आपको कोई टाइटल डालना है, तो आप हेडिंग बनाइए। अब हेडिंग नहीं बनाया फिर भी ये फॉन्ट छोटा दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है फॉन्ट को, और साथ ही साथ देखिए पूरा फॉन्ट ब्लू कलर से आ रहा है। ब्लू क्यों आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है, ये पूरे फॉन्ट का कलर ब्लू क्यों आ रहा है, या बिकॉज वी हैव रिटर्न टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू विद द बॉडी टैग, पूरे बॉडी टैग का कलर क्या हो गया, ब्लू। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट का काम समझा रहा हूँ मैं आपको, ये जो हेलो ऑल से लेकर ये जो दो लाइन लिखी मैंने, मैं इसका कलर बदलना चाहता हूँ, भले बॉडी का टैग ब्लू है, ठीक है, बॉडी पे मैंने ब्लू कलर किया, बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ दीज टू लाइन्स, तो हेयर वी नीड फॉन्ट टैग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं गया और इस लाइन से पहले मैंने लगाया फॉन्ट कलर इक्वल टू, सपोज कि इसको मुझे वाइट दिखाना है या फिर इसे रेड दिखाना है, तो कलर इक्वल टू रेड एंड आफ्टर दीज टू लाइन्स सिंपली क्लोज द फॉन्ट, सिंपली क्लोज द फॉन्ट टैग, कंट्रोल एस किया और अब देखो मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ देखो कलर चेंज होकर हो गया रेड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूँगा, देखो इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा, लाइन को ब्रेक किया और मैंने लिख दिया थैंक यू,
ये किस कलर से आएगा कोई बता सकता मुझे? थैंक यू, किस कलर से आएगा? ब्लू से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बॉडी में है। हाँ, बॉडी में है, रेड में क्यों नहीं आएगा? गुड, क्योंकि फॉन्ट से बाहर है। गुड, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, फॉन्ट से बाहर है इसलिए रेड में नहीं आएगा, लेकिन ब्लू में क्यों आएगा? क्योंकि है तो बॉडी के अंदर, और बॉडी का कलर क्या है? ब्लू। तो यहां पर ये आ गया ब्लू कलर से, ये देखिए, थैंक यू, ब्लू से आ गया। अब एक एट्रीब्यूट हो गया यहां पर, कौन सा? कलर। अब देखिए दूसरा एट्रीब्यूट होता साइज। साइज हम फॉन्ट का कहां से कहां तक दे सकते हैं भाई? 1 से लेकर 7 तक। तो अगर मैंने 1 दिया साइज, तो देखना क्या होगा, इसको रिफ्रेश किया मैंने, बहुत छोटा हो गया, ठीक है? तो छोटा करना है 1 दे दिया, बड़ा करना है, चलिए हमने 5 दे दिया, 5 दिया और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से मैंने फॉन्ट की साइज को बड़ा कर लिया। मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है फॉन्ट की भाई? मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है यहाँ पर? 7। ओके, 7 से बड़ा हम यहाँ पे फॉन्ट नहीं दे सकते। अब अगर किसी ने कहा सर इसको 10 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, तो क्या 40 कर दीजिए, चलिए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो, देयर इज नो इफेक्ट। तो मैक्सिमम साइज हम क्या दे सकते हैं फॉन्ट की? 7। मिनिमम साइज हम क्या दे सकते हैं? 1। अब इस बीच में आप साइज बदल कर चेक करते रहो कि कहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी है, ठीक है? किसकी ज़्यादा विजिबिलिटी है ये देखा हमने। और अब आखिरी एट्रीब्यूट कौन सा? फेस। फेस कहता है कि अगर मान के चलो कि आपको ये जो फॉन्ट है इस तरह से नहीं दिखाना, बल्कि कोई और स्टाइल में दिखाना है, या कोई और फॉन्ट का नेम आपको चाहिए, तो देखो फॉन्ट का नेम कैसे देखना है, अब यहाँ ध्यान से देखना, मुझे इसका स्टाइल बदलना है फॉन्ट का। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, नोटपैड में। मुझे कहाँ बदलना है? अपने HTML के आउटपुट में। नोटपैड में यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन होता है, फॉर्मेट में आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन में आप देखिए आपको कौन सा कलर फॉन्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले बताता जाएगा फॉन्ट का, ये वाला या फिर ऐसा फॉन्ट या फिर ऐसा फॉन्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है फॉन्ट कैसा दिखेगा। कुछ फॉन्ट हम सर्च करते हैं, चलिए फॉन्ट बेटा HTML में हम जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में एंड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमें दिखेगा फॉन्ट कौन कौन से हैं मेरे सिस्टम पर, और यहाँ स्टाइल मुझे दिखती जाएगी, मैं फॉन्ट को चेक करके चेंज कर करके देख रहा हूँ। चलो मैं देखता हूँ कि मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, ठीक है? फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट इसका नाम है, और अगर मैंने ओके किया तो देखो आपके यहाँ पर फॉन्ट बदल गया, देख रहे हैं? यहाँ तो फॉन्ट बदल गया, लेकिन मैंने सेव किया, मैं जब HTML में जाऊँगा तो मुझे यहाँ कोई फॉन्ट चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने फॉन्ट को चेंज करने के लिए कोई कमांड नहीं दी। तो एक कन्फ्यूजन ये दिमाग में दूर रखना दिमाग से, कि अगर मैंने यहाँ फॉन्ट चेंज किया तो HTML के आउटपुट में फॉन्ट चेंज होगा? नहीं, वहाँ पर कोई फॉन्ट का चेंज नहीं होगा। तो भाई आउटपुट में कैसे चेंज करें? ये तो हो गया कुछ सोर्स कोड में चेंज करना। सोर्स कोड में मुझे चेंज नहीं करना, सोर्स कोड के लिए हमारा वही फॉन्ट अच्छा था जो पहले था, इसको मैंने एज इट इज क्लिक कर लिया। ये भी नहीं था, दूसरा ही फॉन्ट था, मैं उसको वापस टाइम्स न्यू रोमन पे कर लेता हूँ। चलिए ये फॉन्ट है, मुझे एक फॉन्ट चाहिए कहाँ पर? आपके आउटपुट में। तो देखो क्या करना होगा, यहाँ से फॉन्ट तो देखो आप, जैसे आप देख रहे थे फॉन्ट वैसे ही जाओ, फॉन्ट चेक करो, और जो भी फॉन्ट का नेम आपने देखा है, सपोज़ कीजिए कि ये जो फॉन्ट है वर्धना फॉन्ट है, या फिर और भी कोई अच्छा फॉन्ट देख लेते हैं, एक ये मैग्नेटो फॉन्ट है, इस तरह से दिखेगा। तो इस मैग्नेटो का नाम यहाँ से कॉपी कर लो, या नाम याद कर लो, MAGNETO, मैग्नेटो फॉन्ट का नाम है। इसको ओके नहीं करना, इसको कैंसिल करना है, और अपने फॉन्ट टैग में जाकर फेस इक्वल टू लिख दो उसका नाम, डबल या सिंगल कोट में किसी में भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया मैग्नेटो, ठीक है? यहाँ लिख दिया मैग्नेटो, तो ऐसे करना है। तो अब आपका जो फॉन्ट का नाम है इन दोनों लाइनों पर इफेक्ट करेगा, कहाँ पर? यहाँ नहीं दिखेगा, HTML में दिखेगा जाकर। तो व्हेन वी रिफ्रेश द पेज,
एट दैट टाइम देखो हेयर द फॉन्ट स्टाइल विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो मुझे क्या करना भाई, फॉन्ट का नेम सर्च करना होगा, देखना होगा कि कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल है। मुझे वापस से मैग्नेटो हटाना है, कोई और फॉन्ट करना है, तो आप फॉन्ट पे जाना और फिर देखना कि यहाँ पे कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक वर्धना फॉन्ट है, चलिए VERDANA, तो मैंने इस मैग्नेटो को हटाया और मैंने लिखा VERDANA वर्धना। मुझे कलर भी अच्छा नहीं लग रहा रेड, तो रेड हटाकर मैंने इसको कर दिया ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ऑरेंज कलर से, येलो कर देते हैं और थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो इसको मैंने कर दिया येलो। ओ येलो भी नहीं दिख रहा, कौन सा कलर दिखेगा इस पर, वाइट दिख जाएगा, बढ़िया वाइट दिखा देता है, वाइट भी बहुत अच्छा नहीं है। बट ये समझाने के लिए आप अपने हिसाब से फॉन्ट वहाँ पे कलर दिख सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं। अच्छा बैकग्राउंड को रेड अगर मैं कर देता हूँ तो बताओ इसमें से कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो दिखना बंद हो जाएगा मुझे। अगर मैं बैकग्राउंड को रेड करूँ तो इसमें से क्या कोई ऐसी लाइन है जो दिखनी बंद हो जाएगी। हाँ गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। अगर मैंने इसको रेड किया तो ये लाइन दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो गई है। तो यहाँ पर इस लाइन का कलर ही चेंज कर देना अपन। और ब्लैक करने के लिए ब्लैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक अगर करना तो बाई डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक आएगा ही, तो अपन कलर हटा देते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करें। ओ ब्लैक नहीं आ रहा है, ये तो अलग ही कलर आ रहा है, रेड ही आ रहा है, ठीक कह रहे हो तुम, ब्लैक कर देते हैं कलर, क्योंकि बॉडी के कलर के बॉडी में टेक्स्ट लिखा ना, तो टेक्स्ट के हिसाब से वो इफ़ेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो ब्लैक। हाँ ये ठीक रहा, क्लियर है बच्चों। फॉन्ट हमने बता दिया, फॉन्ट का कलर दो जगह से हम चेंज कर सकते हैं, देयर आर टू प्लेसेस वेयर वी कैन स्पेसिफाई द कलर ऑफ द फॉन्ट। फर्स्ट वन इज द इनसाइड द बॉडी एज अ टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इक्वल टू कलर का नाम दे सकते हैं, एंड फॉन्ट के अंदर कलर इक्वल टू कलर का नाम दे सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पता चल गया कि अगर मैं बीजी कलर के बगल में लिखूंगा या बॉडी के साथ लिखूंगा तो पूरी बॉडी के लिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए करना है तब हम फॉन्ट टैग यूज करेंगे, देन उस लाइन के बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ें, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। पूछो पूछो, हाँ तो मुझे फ़ायदा मत गिनाओ, तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछो, ये तो तुम्हारा काम है ना बच्चों, कि आप करेगा ना, करेगा ना, जब यहाँ पर काम कर रहा है तो वहाँ पे क्यों नहीं करेगा भाई। यहाँ पर मैंने हेलो ऑल लिखा, वहाँ पे अबाउट माई सेल्फ लिख दो फॉन्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ भी लगा सकते हैं, किसी के जगह पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, चलो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ हेडिंग यूजिंग फॉन्ट टैग बिफोर हेडिंग। मान के चलो कि हेडिंग है, तो आप हेडिंग पे डायरेक्टली कलर चेंज नहीं करो, तो आपने लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया फॉन्ट का कलर, ठीक है, कलर मैंने दे दिया, कोई सा भी दे दिया, रेड दे दिया, और रेड करने के बाद मैंने H1 बना दिया, और यहाँ पर मैंने हेडिंग कुछ भी लिख दी, हेडिंग का नाम दे दिया, एंड H1 को बंद कर लिया, और उसके बाद हमने किसको क्लोज कर दिया, फॉन्ट को। तो देखो फॉन्ट यहाँ से शुरू है ना, तो फॉन्ट के अंदर हेडिंग आएगा तो उसका भी कलर चेंज हो ही जाएगा, ये आपको खुद से करके देखना है। दूसरा ऑप्शन है कि आप हेडिंग मत बनाओ, यहाँ पे साइज दे दो 7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या रहा कि आपने कलर नहीं बनाया,
बल्कि आपने हेडिंग बनाई नहीं, फॉन्ट के साथ कलर भी दे दिया, और आपने कलर देने के साथ साथ हेडिंग दे दी, वो साइज दे दी। ये हो गया हमारा कलर और ये हो गया हमारा साइज, साइज जो भी आपको देनी है, और इसके साथ साथ इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड। तो ये बोल्ड भी हो गया, तो हेडिंग जैसा दिखेगा, हेडिंग जैसा इफेक्ट आएगा, बट इट्स नॉट हेडिंग। याद रखेंगे हेडिंग नहीं है, हेडिंग H1, H2, H3 से बनेगी। ये क्या है, एक तरह का फॉन्ट टैग का यूज़ है। तो ये भी आप लोग करके देख सकते हैं, मैं भी अपने पेज में लगा सकता हूँ और मैं लगा के दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे ये वाली हेडिंग थी ना, ये हेडिंग तो भाई ब्लू में क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पे बीजी का कलर ही ब्लू कर दिया, लेकिन मुझे ब्लू के अलावा मुझे इस हेडिंग का कलर इंडिविजुअली बदलना। तो या तो हेडिंग के पहले क्या लगा दीजिए, फॉन्ट कलर इक्वल टू मेजेंडा पर्पल कर देते हैं, और इस हेडिंग के बाद हमने फॉन्ट को कर दिया क्लोज। देखिए HTML बहुत आसान है। हाँ, कोडिंग देखने से ज़रूर लगेगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो कोड देख के डर सकता बच्चा को, वो इतना कठिन कोड लिखना है, हर बार 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 आपको टैग दिख रहा है, बट इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अगर हम इसको सी पाइथन इससे कंपेयर करिए, देखिए बदल गया, अब ब्लू जैसा है बट ब्लू नहीं है एक्चुअली। ये मैंने क्या कर दिया, उसको बदल के पर्पल कर लिया, नीचे थैंक यू लिखा हुआ ब्लू से, ये अभी भी ब्लू आएगा क्योंकि इसका कोई कलर नहीं दिया मैंने, तो टेक्स्ट का कलर आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग पर, और हमारा जो अगला टैग होने वाला है, दिस इज द मार्की टैग। पहला हो गया फॉन्ट टैग कंप्लीट। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए यहाँ से, सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम मार्की टैग। मार्की टैग QU डबल, स्पेलिंग जरूर याद रखना है, कलर में स्पेलिंग में COLOR है तो COLOR ही लिखना, COLOUR मत लिखना, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा लग जाता है कि हाँ स्पेलिंग ऐसी गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, अपन को जो मिला हुआ उसको एज इट इज यूज़ करना है। मार्की टैग, दिस टैग इज यूज, दिस टैग इज यूज टू मूव और स्क्रॉल द टेक्स्ट इनसाइड द पेज। आप देखते हैं कई बार आप वेबसाइट में देखोगे तो टेक्स्ट चलता हुआ दिखेगा, लेफ्ट टू राइट चलता जा रहा है, राइट टू लेफ्ट चलता जा रहा है, ये कई बार नोटिस बोर्ड लगा रहता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नीचे से ऊपर की तरफ चलती रहती इन्फॉर्मेशन, दिखती रहती कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह का अगर कोई स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिख रहा है, कोई मूविंग टेक्स्ट दिख रहा है, तो दैट बिकॉज ऑफ मार्की टैग। दिस इज कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब समझ रहा है बच्चों, सभी बच्चे समझ रहे हैं, कंटेनर मतलब इसे ओपन भी करना है और इसे क्लोज भी करना है। तो एग्जांपल मार्की, एंड मैंने मार्की के बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख दिया, दिस इज कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास, और मैंने मार्की को कर दिया QU डबल, मार्की कर दिया बंद। अब एग्जांपल में छोटा सा लिखा है, अब इतनी क्लास के बाद इतना आपको सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं छोटा सा भी एग्जांपल लिखूं तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि दिस लाइन विल बी एडेड इनसाइड द बॉडी टैग। ठीक है, HTML हेड टाइटल तो लिखना ही है, मुझे ये एक लाइन था कि कहाँ लिखनी है, बॉडी टैग में, तो आपको इसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो मार्की लिखा, एंड मार्की के बाद आपने कोई लाइन लिख दी, अब देखते हैं कैसा इफेक्ट आएगा। तो देखो ये मेरा प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, हेडिंग वगैरह ठीक थी, मैंने अभी फ़िलहाल फॉन्ट हटा दिया यहाँ से। देखिए ये HR लिखा हुआ है, HR के नीचे गया मैं और मैंने यहाँ लगाया मार्की, MARQUEE मार्की। अबाउट माई सेल्फ यहाँ पर मैंने हटा के अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, आप लोग को जब मैं दूंगा आज बायोडाटा बनाने के लिए तब आप अपना अपना नाम लिखेंगे वहाँ पर। हमने यहाँ पे लिख दिया जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन, H1 हट गया बेटा, हाँ H1।
यहाँ पर मार्क ही लिखा और मैंने लिखा वी प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, और मैंने मार्क की MARQUEE को बंद, बंद ज़रूर करना है। अब देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस होने वाला है। गौर से देखिए, कुछ दिख रहा है आपके मोबाइल पे? कोई टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा होगा? विजिबल है, वी प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, और ये आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट मूव होता हुआ जा रहा है। किस साइड से किस साइड जा रहा है ये? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कहाँ जा रहा है ये? राइट टू लेफ्ट। एक बार जब ये चला जाएगा अंदर, हिडन हो जाएगा, तो वापस से निकल के आएगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है? तो डायरेक्शन इसका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज रिपीट अगेन। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। कौन बोल रहा था भाई, फिर से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दिया, क्या बोलना चाह रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, डिफॉल्ट डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट, डिफॉल्ट डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट। अब मुझे कोई बच्चा बताए, सोच समझ के बताना कि जो मार्की दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे इसका बड़ा करना है, क्या करूं मैं कि मुझे थोड़ा बड़ा दिखने लगे, क्या करूं मैं, बताइए जल्दी। साइज, तो साइज के लिए मुझे कौन सा टैग लगाना होगा? अब देखो यहाँ एक गलती हो जाती है हमसे, हमने एक बार सुन लिया अच्छा साइज लगाने से बड़ा होता है, तो हम पहुँच गए और हमने मार्की पे जाके साइज लगा दिया और हमने कहा साइज इसका चलो 5 कर देते हैं, ठीक, हमने मार्की पे जाके लगा दिया और हम ये भूल गए कि साइज तो सर ने फॉन्ट में पढ़ाया था, मार्की में थोड़ी ना पढ़ाया था साइज, साइज तो हमने कहाँ पढ़ाया था, फॉन्ट में, तो यहाँ कोई इफेक्ट आया नहीं साइज का। तो ध्यान रखो बच्चों, जिसका एट्रीब्यूट है उसके साथ लगाना है, तो अगर मुझे साइज लगाना है तो इसका मतलब है मार्की के अंदर आपको कौन सा टैग यूज करना है, फॉन्ट, देन साइज इक्वल टू आपको लगाना, ऐसा नहीं कहीं भी साइज लगा दिया हमने, फॉन्ट लगाया, फॉन्ट के बाद मैंने साइज लगाया और आपका काम खत्म हो गया, तो इसके बाद फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए। अब एक चीज़ और, आप फॉन्ट इस तरह से एंटर कर करके लिखिए, एक टैग लगाया एंटर करके, फिर आपने दूसरा टैग, तो आपको रीडेबिलिटी बनी रहेगी, पता रहेगा कौन सा टैग कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ठीक है? तो फॉन्ट के साथ साइज लगाना है, कहीं भी अगर साइज की ज़रूरत पड़ गई तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा साइज लगाना है तो फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा। तो ये देखो फॉन्ट का साइज लगाया, कलर मैंने नहीं दिया फॉन्ट में कुछ भी, सिर्फ क्योंकि मुझे साइज की ज़रूरत थी, ज़रूरी नहीं कि मुझे हर बार फेस देना पड़े, स्टाइल देना पड़े, हमें जिसकी ज़रूरत है केवल उस एट्रीब्यूट को सोच लीजिए, हमें अभी साइज का काम है, मैंने सिर्फ साइज स्पेसिफाई किया, जब ज़रूरत होगी कलर की तो कलर स्पेसिफाई करेंगे, जब ज़रूरत होगी इस फॉन्ट को बदलने की तब फेस का यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए साइज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, और बड़ी करनी है तो और बड़ी करने के लिए आपने क्या कहा, और एक नंबर और बड़ा कर लेते हैं, साइज इक्वल टू 6, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया, क्लियर है ना? तो मार्की के अंदर भी हम फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और जब भी अब इसका कलर ब्लू ही आएगा, अगर इसका कलर मुझे ब्लू नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट टैग लग चुका है, आप कलर भी बदल सकते हो, बदल सकते हो, अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी आवाज़ पहुँच रही सब तक? तो कंफर्म किया करो तुरंत, यस सर या नो सर, समझ में नहीं आया बताओ, हाँ सर समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एट्रीब्यूट देखिए मार्की, क्या पूछ रहे हो? अब
अब रुक जाओ 2 मिनट, एट्रीब्यूट हम पढ़ा रहे हैं ना, एट्रीब्यूट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेफ़्ट टू राइट कैसे करना है, टॉप टू बॉटम कैसे करना है, बॉटम टू टॉप कैसे करना है, ये सब मुझे एट्रीब्यूट में मिलेगा। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं देखिए, मार्की के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन, ठीक है, अभी मुझे डायरेक्शन राइट में जा रही है, मुझे डायरेक्शन बदलना है, तो डायरेक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं देखिए, एक तो राइट लिख सकते हैं, लेफ़्ट लिख सकते हैं, टॉप लिख सकते हैं, या फिर बॉटम या अप डाउन लिख से लिखेंगे। चलो मैं चेक करके देखता हूँ, डायरेक्शन में टॉप लिखना या अप लिखना है, अप टॉप बॉटम करके दिखा दे, देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर जाएंगे और इसका डायरेक्शन सबसे पहले बदलते हैं, देखिए मार्की पे जाना है और मार्की पे जाके डायरेक्शन इक्वल टू मैंने कर दिया लेफ़्ट, अभी राइट है बाई डिफ़ॉल्ट क्योंकि राइट की तरफ जा रहा, मैंने डायरेक्शन कर दिया लेफ़्ट और अब मैंने किया रिफ्रेश। ओहो अभी तो नहीं, राइट नहीं, अभी लेफ़्ट ही है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा ना, हाँ तो अभी तो बाई डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, मुझे राइट में करना है, उसका डायरेक्शन तो लेफ़्ट में है क्योंकि राइट से लेफ़्ट में जा रहा है मुझे, लेकिन मुझे राइट में ले जाना है तो मैंने लिखा राइट। कैन यू रेक्टिफाई एनी चेंज, आपको दिख रहा है कोई चेंज? अब ये राइट में जाना शुरू हो गया, ठीक है, राइट में जाना शुरू हो गया। अब एक होता है डायरेक्शन अप या डाउन या टॉप बॉटम, तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये नीचे गया मैं थैंक यू के बाद, इसके बाद मैंने एक और मार्की लगा दिया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम मार्की लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मार्की लगाया MARQUEE मार्की, डायरेक्शन इक्वल टू अप कर दिया, अप करना आई थिंक, अप मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, और मार्की लिख दिया। और हमने यहाँ इसके पहले एक छोटी सी हेडिंग बना दी H2 और हमने लिखा आई have learnt, क्या क्या लर्न किया है, और मैंने H2 लिख दिया। यहाँ पर हम लिख दिया Python, then break करके, देखिए अगर आपको ज़्यादा लाइन का ब्रेक चाहिए तो आप ज़्यादा बार ब्रेक लिख सकते हो, मैंने दो दो लाइन का गैप चाहिए मुझे, मैंने लिखा ब्रेक ब्रेक Python, और मैंने लिखा HTML, then मैंने लिखा ब्रेक ब्रेक टर्टल, then हमने ब्रेक एंड ब्रेक, देन हमने पढ़ा था डॉस ब्रेक एंड ब्रेक। मैंने इतना लिख दिया यहाँ, ठीक है, मार्की क्लोज है, कंट्रोल एस किया, और अब देखिए मैं इसको यहाँ से करूँगा रिफ्रेश, तो नीचे दिखिएगा, नीचे की तरफ आप जब नज़र डालेंगे तो एक और मार्की चल रहा है जिसमें ऊपर सब चलते हुए दिख रहा है, कितने बच्चों को दिख पा रहा है, दिख रहा है? डायरेक्शन इक्वल टू अप, डायरेक्शन इक्वल टू टॉप के लिए हम टॉप नहीं क्या लिखेंगे, अप, और इसके लिए लिखेंगे डाउन। तो 4 वैल्यू हो गई डायरेक्शन की, कौन कौन सी एक बार रिपीट करिए, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है, राइट लेफ्ट अप डाउन। चलो मुझे बताओ कि मुझे ये जो वाला जो मार्की चल रहा है इसका कलर मुझे वाइट करना है, जल्दी से बताओ कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा, इस वाले मार्की का कलर वाइट करना है, गुड, फॉन्ट कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है, कलर इक्वल टू वाइट, और इस मार्की के अंदर ही उसे कर देना है क्लोज। एक चीज़ और याद रखना, कोई भी टैग अगर किसी टैग के अंदर शुरू हुआ है तो याद रखेंगे उस टैग के अंदर ही क्लोज करना, ऐसा नहीं मार्की पहले बंद कर दो बाद में फॉन्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर नहीं आएगी, लेकिन ये गुड हैबिट नहीं है। गुड प्रोग्रामिंग कहता है कि अगर फॉन्ट मार्की के अंदर है तो मार्की के अंदर पहले फॉन्ट बंद होगा देन मार्की बंद होगा, तो पहले चाइल्ड बंद होगा देन उसका पेरेंट टैग बंद होगा, पेरेंट मतलब जिसने जिसके अंदर हमारा टैग है। अभी देखते हैं ज़रा, गुड, अब ठीक दिख रहा है, जैसा हमने चाहा वैसा दिख रहा है, तो आई हैव लर्नड, और यहाँ पे जो भी हमने लर्न किया है उनके नाम आ रहे हैं। डायरेक्शन हो गया, एक और देख लीजिए एट्रीब्यूट स्पीड, स्पीड के लिए होता है स्क्रॉल अमाउंट, SCROLL AMOUNT, कोई स्पेस नहीं है, स्क्रॉल अमाउंट,
यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू हम 1, 2, 3 इस तरह से हम दे सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू। और जैसे जैसे वैल्यू देंगे वैसे वैसे कम वैल्यू होगी तो स्लो होता जाएगा और ज़्यादा वैल्यू होगी तो फास्ट होता जाएगा। कौन सा एट्रीब्यूट है बच्चों, कौन सा एट्रीब्यूट बताया मैंने, स्क्रॉल अमाउंट। तो देखिए मैं इस वाले मार्की पे गया, इस वाले मार्की पे गया और मैं लिख दिया SCROLLAMOUNT स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, मैंने दे दिया 2। सेव किया और अब मैं इस पेज को करूंगा रिफ्रेश। तो आपको समझ में आएगा कि पाइथन HTML टर्टल ये बहुत धीरे 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 चल रहा है क्योंकि मैंने स्क्रॉल अमाउंट इसका कम कर दिया। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट मैंने इसका कम कर दिया। क्लियर है बच्चों? अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि ये जो है जो मेरा टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा स्टिकी हो के आ रहा, बहुत ज़्यादा चिपक के आ रहा है लेफ्ट साइड, मुझे दूर करना है, मैं चाहता हूँ कि बॉडी से थोड़ा दूर आए। कोई एट्रीब्यूट मैंने पढ़ाया है क्या कि इधर स्पेस या मार्जिन आ जाए? कहाँ जाके लिखना है? बॉडी में। कहाँ जाके लिखना है? बॉडी में जाना है और लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू सपोज कीजिए मैंने दे दिया 100। इससे होगा क्या, जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा लेफ्ट तरफ से 100 पिक्सल छोड़ देगा, देख रहे हैं? तो ट्रेनिंग भी उतना ही उतने से ही निकल रहा है, उसके पहले नहीं निकल रहा है, वहीं से निकलेगा क्योंकि इधर मैंने कर दिया है मार्जिन। तो मार्जिन करने से इस तरह से होगा। थोड़ा सा और इसको स्टाइलिश करते हैं। देखिए HR टैग मैंने ऊपर लगाया, मैं चाहता हूँ नीचे भी दोनों लाइन के बीच में ये वाला टेक्स्ट चलना चाहिए, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो आप HR टैग को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैंने और डिस्प्ले बढ़ाया, विड्थ इसकी मैंने हटा दी, मुझे पूरे में चाहिए इस बार, तो मैंने इसकी विड्थ कर दी, नहीं दिया मैंने विड्थ। जब मैं विड्थ नहीं दूंगा तो देखो पूरे में 100% में आएगा। ठीक है, आ गया। लेकिन मुझे राइट की तरफ पूरा जा रहा है, मुझे राइट की तरफ भी उतना ही मार्जिन चाहिए। तो एक काम और करते हैं, लेफ्ट मार्जिन दिया और मैंने क्या दे दिया, राइट मार्जिन भी मैंने दे दिया 100। राइट मार्जिन भी 100 हो गया। अब दोनों तरफ एक बराबर लाइन रहेगी। ओह राइट मार्जिन नहीं लिया क्या, RIGHT लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन लिखा तो ठीक है, नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन आ गया। अब देखो ये जो लाइन है HR, मुझे इस लाइन की दोनों तरफ चाहिए, तो इस वाले HR को मैंने ऊपर भी लिखा इस मार्की के पहले और इस मार्की के बाद भी मैंने HR लिख दिया, तो थोड़ा सा लुक एंड फील हो जाएगा चेंज। देखो कैसे, अब दो HR दिखेंगे और दोनों के बीच में चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से वेब डिज़ाइनिंग को हमें करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमको लाइन से भी इफेक्ट हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन दिखाई और लाइन के बीच में मैंने मार्की दिखा दिया। ठीक है, तो हमने दो एट्रीब्यूट पढ़ लिए मार्की की। बताओ फटाफट कौन कौन से एट्रीब्यूट, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकेंड इज स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट याद रहेगा, स्क्रॉल अमाउंट कौन कौन से बच्चों, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन एंड नेक्स्ट इज स्क्रॉल अमाउंट। दोनों याद रहेंगे आपको, दोनों याद रहेंगे, याद रहना भी चाहिए। देन विड्थ एंड हाइट, विड्थ और हाइट भी हम यहाँ दे सकते हैं और बीजी कलर दे सकते हैं, विड्थ हाइट बीजी कलर, विड्थ हाइट और बीजी कलर। तो देखें ज़रा इनको लगाकर, अगर मेरा जो मार्की है अगर टॉप टू बॉटम चल रहा है तो आप हाइट यूज़ करिए, और अगर लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो आप विड्थ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से पाइथन निकल रहा है, मतलब इसकी हाइट इतनी बाय डिफ़ॉल्ट है। पहले मैं बीजी कलर करके दिखाता हूँ। मान के चलो नीचे वाला जो मैंने मार्की बनाया है, इस वाले मार्की पर मैंने कर दिया बीजी कलर इक्वल टू येलो। ठीक है, बिजी कलर इक्वल टू मैंने कर दिया येलो नीचे वाले मार्की का और मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो देखिए नीचे वाला जो मार्की है उसका बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। बिजी कलर अभी मैंने सिर्फ दो ही जगह पढ़ाया, पहला कहाँ पे पढ़ाया था, बॉडी टैग में, दूसरी बार कहाँ पढ़ाया मैंने, मार्की में। ठीक है, अब बच्चों जहाँ पर बिजी कलर यूज़ नहीं होता ना
वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर मान के चलो कि मुझे हेडिंग में याद आया कि अरे चलो यहाँ बीजी कलर बदलता हूँ मैं H1 का, तो अगर मैंने यहाँ पे बीजी कलर किया तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बीजी कलर काम करेगा। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो अगर बीजी कलर उसमें एट्रीब्यूट होगा हेडिंग में तो काम करेगा, लेकिन देखो यहाँ ब्लैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर बीजी कलर एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो दो ही अभी टैग मैंने पढ़ाए जहाँ पे बीजी कलर भी यूज़ होगा, कौन कौन सा? पहला मैंने सिखाया बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कहाँ सिखाया मैंने कि आप मार्की में भी यूज़ कर सकते हैं बीजी कलर। लेकिन अभी यहाँ देखो मैंने यहाँ पे बीजी कलर यूज़ किया, लेकिन पूरा यहाँ से पूरी पट्टी लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा येलो दिख रहा है। मैं इतना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसका विड्थ थोड़ा सा येलो दिखे, दैट मीन्स यहाँ तक जहाँ तक मेरा माउस है पूरे पेज पर ये पूरी विड्थ को कवर कर रहा है, मुझे पूरी विड्थ को कवर नहीं करना है। तो देन वी नीड विड्थ। तो अब मैंने इस पे लिखा बहुत बिजी कलर तो येलो किया, बट मैंने कहा विड्थ ज़्यादा नहीं लेनी है, विड्थ कुछ पिक्सल पे ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 400 पिक्सल, लगभग 1000 पिक्सल की विड्थ होती स्क्रीन की, लगभग 1000 पिक्सल की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये देखिए अब ये छोटा हो गया, ठीक है। या फिर ट्रेनिंग वो क्वालिटी बेस्ड ट्रेनिंग उसको भी हम कर सकते थे येलो, या कोई भी कलर कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे येलो पे रेड या ब्लैक अच्छा दिखेगा, तो इस वाले को मैं गया इसका कलर फॉन्ट का कलर वाइट हटाकर मैंने इसको कर दिया ब्लैक। ब्लैक साइज भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, जब ब्लैक कर ही रहे हैं तो क्या जाता भाई साइज लगाने पे, साइज इसका मैंने कर दिया 5। अभी देखेंगे आप, ठीक है, पाइथन HTML सब कुछ दिख रहा है। आप हाइट थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल टू मैंने दे दी 300, ठीक है। तो हाइट मतलब इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलो मुझे बताओ ज़रा कोई बच्चा कि ये जो ऊपर वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन कंप्यूटर ट्रेनिंग लिखा है इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे अब ब्लू करना है और फॉन्ट का कलर वाइट करना है। ध्यान से सुनिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है नहीं, बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, फॉन्ट का कलर वाइट करना है। किसका बीजी कलर? यहाँ पर बताओ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे? अरे बच्चा मुझे बॉडी का नहीं बदलना, मुझे सिर्फ इसका बदलना है, सिर्फ इसका बदलना है। क्या करना पड़ेगा? मार्की, मार्की पे जा गया मैं, मार्की पे जाकर मैंने लिख दिया बीजी कलर इक्वल टू क्या कर दिया मैंने ब्लू, और फॉन्ट पे गया, फॉन्ट पे गया और फॉन्ट पे जाकर कलर क्या कर दिया मैंने वाइट, ठीक है, फॉन्ट पे गया, फॉन्ट का कलर कर दिया वाइट। अब देखना भाई, देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू सिर्फ उसी पर्टिकुलर लाइन का। अब यहाँ विड्थ मुझे नहीं देनी क्योंकि मुझे पूरे विड्थ में चाहिए, हाइट भी नहीं देनी, हाइट भी ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कुछ मत दीजिए, आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड कोई तो वो भी मत दीजिए, बट सारे एट्रीब्यूट मैंने पढ़ा दिए हैं आपको ताकि बना बना के देखो कौन सा पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ मार्की टैग, और अब इस कोड को मैं कर रहा हूँ कॉपी और आपके इस नोट्स में डाल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। याद रखें पूरा एग्जांपल कभी एक साथ नहीं टीपना है बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो पे पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे ही तुमको प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से। अब ऐसा नहीं करना कि इतना बड़ा कोड पा गए तो बैठ के उतारते रहो, नहीं, समझो कोड को, सेंटर देख लिया टैग, हाँ ठीक समझ में आ गया, अब अपने मन से यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, H1 लिखा H2 करके देखो, H3 करके देखो, लाइन बना के देखो, लाइन नहीं लगानी वो भी ठीक है, मार्की कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, ऊपर लगाना है, जहाँ भी आपको लगे वहाँ पे सेट करके देखना, दैट में रटना कुछ भी नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्हें पूछा है कि ये जो साइड में आ रहा है क्या इसको मैं सेंटर पे दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, क्योंकि सेंटर तो एक अलग ही टैग है। दिक्कत होती सिर्फ किस में
एट्रीब्यूट में कि है कि नहीं है। जैसे ही मैंने ये वी हैव लर्न तो किया, लेकिन इसके बाद यहाँ पाइथन से पहले फॉन्ट बनाया और फॉन्ट के बाद मैंने क्या लगा दिया, सेंटर। ये देखो सेंटर लगाया और फॉन्ट के बाद सेंटर, क्योंकि फॉन्ट के अंदर शुरू हुआ था तो फॉन्ट के अंदर इस सेंटर को मैंने कर दिया बंद। अब लेकिन ये कैसे दिखेगा ये भी देखना है। ये देखिए, अब ये सारा टेक्स्ट हमारा कहाँ दिखेगा, सेंटर में। तो सभी टैग हैं, जितने भी टैग मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आपस में मिक्स करके देखना आपका काम है। बार बार देखो छोटे, इसलिए दो दो तीन तीन टैग मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ। आज मुझे तीन टैग पढ़ाने थे बट मैंने दो ही पढ़ाए, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको इनको करना है। एक टैग और है, चलिए बता देता हूँ, और या फिर आज नहीं बताऊँगा, उसके लिए मैं कल का समय रखूँगा। आज एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट का मैं आपको वीडियो भेजूंगा आज। याद रखेंगे बच्चों, मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा ना ऐसा ही स्क्रीन पे दिखता हुआ मैं आपको सेंड करूंगा, या फिर उस या फिर मैं इमेज दूंगा या फिर वीडियो बना के दूंगा। आपको वैसा का वैसा डिज़ाइन करना है और सिमिलर इसी तरह का पेज रहेगा जैसा ये दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इससे मिलता जुलता पेज रहने वाला है। एंड्रॉयड में नोट पैड जैसा नहीं मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने बताया है, उसी तरह के एडिटर मिलते हैं एंड्रॉयड के लिए। बताया तो था मैंने, ट्रैब एडिट बना लो या HTML एडिटर डाउनलोड कर लो, दोनों नाम है। HTML एडिटर भी आता है एक, और एक ट्रैब एडिट करके आता है। HTML की क्लास 1 और क्लास 2 सर्च करो आप लोग, है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, इसको नोट पैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, कल मैं एक नया एडिटर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, सभी लोग अपने अपने प्रैक्टिस